मैं आ रहा हूं दिल्ली सालों, और हराम सालों, अगर खड़े खड़े तुम्हारी वहां पे बचा के नहीं रखी ना, तो मेरा नाम भी बेटी चोर नहीं है। गाली कैसे दे रहा था? गाली भैया, मेरा मुंह गाली कर गई, मेरी जबान टूट गई यार। नहीं यार, ये खबर तुम्हें मिल चुकी होगी कि इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड इंसान की सुताई हो चुकी है। और मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि जिंदगी में मैंने जो भी बकवास की है सोशल मीडिया पे, प्लीज प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दो। अब यार ये वीडियो रियल है या स्क्रिप्टेड, ये मैं तुम्हें इस वीडियो के एंड में बताऊंगा विद प्रूफ। लेकिन उससे पहले ना ये जान लेते हैं कि इनको टैलेंटेड इंसान आखिर कहा क्यों जाता है। अभी बताता हूँ, ये पीछे से खुला है और वाले कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं जिसका प्रयोग करके ये अपनी गांड का गुड़गांव बना लेते हैं। ये बाल्टी पूरी तरह से अंदर चली गई है। अगर ऐसे ही आपने मेरी हौसला अफजाई बढ़ाई तो फ्यूचर में मैं बड़े बड़े मोबाइल टावर अंदर लूंगा। अरे टावर वगैरह तो बहुत छोटी चीज है, और अब तो सरकार भी सोच रही है कि क्यों ना इनके अंदर एक महल बना दिया जाए। फिर तो लोग ताजमहल भूलकर गांड महल देखने आएंगे। हनीमून मनाऊंगा, हनीमून मनाऊंगा, हनीमून मनाएंगे। तो अब बात करते हैं इनके पिटाई वाली वीडियो पर। अब देखो, बहुत से लोगों को ना ये बात समझ ही नहीं आई कि इनकी पिटाई हो क्यों गई। ये बाथरूम करेगा और उसमें प्रोटीन है, ये कहता है कि मैं प्रोटीन पिलाऊंगा। तो पिटाई के पीछे जिम्मेदार इनका खुद का ही सुसु है। ये क्या कर रहे हो आप? मैं यहाँ पे सिटी में जो पेड़ है उनको पानी नहीं मिल रहा है, तो मेरा फर्ज बनता है यहाँ पार्किंग में जो पेड़ है उनको पानी मिले। और इसीलिए मेरा जो कैलोरी युक्त मूत है, इसकी तो लुल्ली भी टैलेंटेड है। और इसीलिए मेरा जो कैलोरी युक्त मूत है उससे मैं ये पानी दे रहा हूँ। तो अगर आपको भी कैलोरीज और प्रोटीन चाहिए तो आप मेरा मूत पी सकते हो। नहीं साला, सुना था कि चुम्मे में च्यवनप्राश होता है, लेकिन सुसु में प्रोटीन कब से आने लगा? मैं बता रहा हूँ, इतने ज्यादा टैलेंटेड इंसानों के ना डॉक्टर मुंह में दे देता है। थर्मामीटर चेक तो करना पड़ेगा ना कि इतना प्रोटीन आ कहाँ से रहा है। ये क्या कर रहे हो आप? मैं यहाँ पे सिटी में जो पेड़ है उनको पानी नहीं मिल रहा है, तो मेरा फर्ज बनता है यहाँ पार्किंग में जो पेड़ है उनको पानी मिले। और इसीलिए मेरा जो कैलोरी युक्त मूत है उससे मैं ये पानी दे रहा हूँ। अब यार देखो, जब इसने बोला कि इसके सूसु में प्रोटीन है तो भैया ने इसकी सुताई कर दी। मैं यही कहूँगा कि जिंदगी में मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा, क्योंकि दीपक साहब ने मुझे समझा दिया है। नहीं ऐसे तो कल को कोई आके बोलेगा मेरी लुल्ली में विटामिन सी है, और परसों कोई बोलेगा मेरी गांड में कार्बोहाइड्रेट है। फिर किस किस की सुताई करोगे यार, क्योंकि इंटरनेट पर ना तुम्हें चुनौतियों से ज्यादा चूहे देखने को मिलेंगे। तो दिल्ली आने से पहले भैया का एटीट्यूड कुछ ऐसा था। हम कश्मीरियों का खून तुमने देखा नहीं है? हमारा खून खौलता नहीं, दौड़ता है। दौड़ा दौड़ा के तुम्हारी नहीं बचाई ना, तो देखो सारा, अगर खड़े खड़े तुम्हारी वहां पे बचा के नहीं रखी ना, तो मेरा नाम भी बेटी चोर नहीं है। और उन्होंने मुझे बताया मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। कते काली गांड का मोर सा बना दिया। मेरा अंत मत देखो, मेरा अंत मत देखो। तो दीपक गंडाल की ना, कलाल की ना ये दिल्ली ख्वाहिश थी कि कोई जाट उसका सर्वनाश कर दे। थक गया हूं मैं ये प्यार से, चाहता हूं कि कोई ऐसा मर्द मिले जो मुझे तहस नहस कर दे। मुझे किसी जाट की जरूरत है जो मुझे बर्बाद कर देगा, मेरा सर्वनाश कर देगा। और अब जाट सामने आ गया तो भैया बोले मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जवान टूट गई। गाली कैसे दे रहा है तू? भैया मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। गाली तो मुंह से निकल। और जो इसके फॉलोवर्स जो इसको सपोर्ट कर रहे ना,
उनकी भी गांड पे मारूंगा। अरे भैया इसके फॉलोवर्स की तो तुम बात ही मत करो, वो तो इससे भी ज्यादा टैलेंटेड है। टर्टर टर्टर टर्टर, मैं एक कछुआ हूँ। बाल्टी में गांड डाल के कछुए बन लेते हैं। चौधरी तो बहुत हो गई है, थोड़ी सीरियस बात कर लेते हैं। जैसे मैंने तो बताया था कि इस वीडियो के एंड में बताऊं कि वीडियो रियल है स्क्रिप्टेड, तो एक काम करो, सबसे पहले ना इस वाली वीडियो के बैकग्राउंड वॉइस को सुनो। दिल्ली में बंदा मूत्रा, क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो आप? और अब एक बार इस वाली के सुनो। वो आप बकवास कर रहे हो ना, वो मेरे ख्याल से 10 आदमियों को अच्छी लग रही है। दोनों की वॉइस कुछ सेम नहीं लग रही, और सबसे इम्पोर्टेंट तो इस वीडियो के एंड का पार्ट था। यार लास्ट में बस इतना बोलना चाहूंगा कि इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारे पास चॉइस होती है कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं, और अगर सिर्फ उसके लिए किसी को मारा जाए तो कहीं ना कहीं वो गलत है। लेकिन अगर ये वीडियो पब्लिसिटी स्टंट हुआ, अरे कान में छतरी डाल के नहीं खोला ना, मैं तो मेरा नाम बंटी नहीं, समझ ला? अब देख लो बंटी भैया छतरी डाल के खोल देंगे, फिर तो कतई वाटर प्रूफ ब्रांड हो जाएगी तुम्हारी। तो यार बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करो, शेयर करो, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक जहां भी करना चाहते हो, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाओ। मेरे बारे में और जानना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।